नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX Pharma में आपका स्वागत है। आज हम एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात करेंगे। बहुत से लोगों को टेंशन है कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। एग्ज़ाम हो या ना हो, आप लोग को प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। तो बस आप लोग को बस पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। तो इस बार डी फार्मा फाइनल के स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया है, उनकी सबसे बड़ी टेंशन है कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं। अभी तक PCI की ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि एग्जिट एग्ज़ाम इस बार होगा या नहीं, या होगा ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इससे बड़ी बात तो ये है कि स्टूडेंट के लिए कि इतना बड़ा सिलेबस डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का फिर से कवर करना थोड़ा सा कठिन है। वैसे जो लोग अच्छे से स्टडी किए हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो इतने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए या नहीं किए, उनके लिए थोड़ी सी टेंशन होगी। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस चैनल पर डेली एग्जिट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन पर वीडियो अपलोड होगी, जिसमें डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से MCQ क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अब आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा टाइम दे के इस वीडियो को देखना है, और जिससे आप लोग की प्रिपरेशन भी होती रहे, आप लोग चीज़ भूले नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे एग्जिट एग्ज़ाम पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एग्जिट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वीडियो अपलोड की जाए या नहीं, ये सही है या नहीं है, तो ये भी आप ज़रूर बताइएगा। या आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली एग्जिट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वीडियो मिलती रहें, जिससे आप थोड़ा सा टाइम दे के आप उसे रिवाइज़ कर लें।